बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम्स, एंड दिस लेक्चर इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द मटेरियल। और आज के लेक्चर के अंदर और इस सीरीज के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट होता है किसी भी मटीरियल के वजह से, जो कि अमूमी तौर पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से जनरेट हो रहा होता है, और ये किस तरह से बुनियादी तौर पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस की तरह बिहेव करता है, और किस तरह से हम गॉस लॉ के जरिए से इनकी मैथमेटिकल फॉर्म और इनके क्वांटिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हम इन्हीं सीरीज को मद्देनजर रखते हुए हम मैग्नेटिज्म इन मटीरियल्स वगैरह के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे अपने लेक्चर सीरीज के अंदर। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द गॉस लॉ। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर इन द प्रीवियस सेमेस्टर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टू PHY 402 BS फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर इवनिंग फोर्थ सेमेस्टर स्प्रिंग 2021। So in the last lecture, we have talked about a huge discussion regarding the magnetic field, governing laws, Bart-Savart law, resemblance, Ampere's law, and its application in numerical problem, review of basic concepts, electromagnetic induction, how we can generate electric field from magnetic field, and vice versa, and their Faraday law, and their governing laws, such as the Lenz's law, Faraday law, and the integral and differential forms, and the nature of induced EMF, and their comparison between the natural EMF and the induced EMF, and we have concluded that they are entirely different to each other, or ye ek dusre se kafi different hote hain. Or then we also discuss about the types of induced EMF, and we have talked about the stationary and the moving, jise hum motional EMF aur uske baad hum gaye the hum स्टेशनरी ईएमएफ के नाम से जाना था। तो ये सारी बातें जो है हमने पुराने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर होगा वो उसके अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। एज वी हैव नोन दैट जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पॉजिटिव से लाइन्स निकल के नेगेटिव एंड टर्मिनेट होती हैं, तो इन द सेम वे द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म, और उनके कंपैरिजन पढ़ेंगे विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सब लोग जानते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। वी हैव यूज्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू विजुलाइज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडिकेट देयर स्ट्रेंथ। सो एज यू कैन सी हियर के देयर आर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जिसको हमने फील्ड का कॉन्सेप्ट देने के लिए अपनी इमेजिनरी तौर पर लाइन जो है रिप्रेजेंट की हैं, एंड दिस लाइट ब्राउन कलर इज द एरिया इन विच द लाइन आर पासिंग थ्रू इट, एंड दिस बोथ आर दी पैरेलल टू ईच अदर। सो वी आर नाउ गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस एंड यूज दिस काउंट टू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑब्वियसली हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका अंदाज़ा उसके नंबर ऑफ लाइन्स के साथ लगाते हैं कि वो जितनी ज़्यादा होंगी और जितनी करीब करीब होंगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। सो इन दिस वे अगर किसी सरफेस में से मैग्नेटिक लाइन नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा गुजरेंगी तो हम कहेंगे कि इसका जो फ्लक्स है वो ज़्यादा है, अगर वो कम गुजरेंगी तो हम कहेंगे ये फ्लक्स कम है। तो इसी तरह से आज के लेक्चर के अंदर भी हम मैग्नेटिक लाइन्स के फ्लक्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं, और ये नंबर ऑफ लाइन जो हमने शो करवाया हुआ कि इसमें से पास आउट हो रही है, एक्चुअली दिस इज द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन्स, और इसी को ही हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि वो किस तरह से किया जा सकता है। एक तो बड़ा सिंपल तरीका कार है कि आप अगर नंबर ऑफ लाइंस को गिन सकें तो ये एक बताया जा सकता है कि इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है। अगर जब हम इस मैग्नेटिक लाइंस को गिन ही नहीं सकते तो फिर इसके लिए हमने कुछ और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें से एक ये है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस दैट पास थ्रू इट। एक्चुअली अगर आप कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है
तो वो सरफेस में से गुजरने वाले नंबर ऑफ लाइंस को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। बिकॉज द मैग्नेटिक लाइंस आर ड्रॉन ऑर्बिटरली, वी क्वांटिफाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज लाइक दिस इज द सिग्मा एंड दिस इज द बी एंड ए। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय द एरिया। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर आपकी अगर देखें यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, और अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाए तो यू कैन सी हियर इजीली दिस इज द 90 डिग्री। फॉर दिस केस वी हैव एक्सप्रेशन वेरी क्लियर। इफ यू हैव द एंगल हियर द थीटा, तो ये नंबर ऑफ लाइन जो इनके दरमियान जो एंगल है इट विल बिकम द थीटा है। तो आपके पास अगर ये किसी एंगल पे टिल्टेड है तो फिर आपके पास जो है वो ऑब्वियसली लाइंस जो है वो सारी की सारी नहीं गुजरेंगी, अब कम गुजरें। सो यू कैन इजीली हेयर दैट के हेयर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई बी इज मच हायर फॉर द केस ऑफ परपेंडिकुलर। ये हायर है जबकि इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वो आपके पास क्या है, लोअर है। उसकी एक बड़ी सिंपल रीजन आपके सामने है कि ये जो तीन लाइंस हैं आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये तीन लाइंस जो है इस सरफेस में से नहीं गुजर रही है। ड्यू टू दिस रीजन ये इतना जो है वो वीकर हो चुका है। सो इफ द सरफेस इज टिल्टेड फ्यू लाइंस कट द सरफेस ड्यू टू दिस रीजन दिस विल बी द वीकर फ्लक्स। और यू कैन से द फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी यू कैन से द मिनिमम और यू कैन से द मिनिमाइज्ड एज कंपेयर टू द परपेंडिकुलर बॉडी। सो अगर आपके पास किस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि आपने किस एंगल के ऊपर इस पूरी सरफेस को इंटरटेन या अंडरस्टैंड करना है, डिपेंड्स अपॉन द एरिया वेक्टर एरिया ऑफ द सरफेस। किसी भी वेक्टर एरिया सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर होता है और नॉर्मल यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट द ए बी टू विद द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस एंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन है और दिस इज द एंगल बी हियर। तो आपके पास अगर ये सरफेस हम 90 डिग्री पर रखें तो इनके दरमियान जो है एंगल बिल्कुल जीरो होगा एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सो द अमाउंट ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज ए कॉस थीटा एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द सरफेस। तो इस तरह से आप इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को कंप्यूट कर सकते हैं। However, if A is perpendicular to the surface, amount of A is parallel to the magnetic field is A cos 0. तो उस वाले से आप इनके दो वेक्टर्स के सम निकाल सकते हैं और उस वाले से आप इसको कंप्यूट करें तो A parallel is equal to A cos theta and magnetic flux will be equal to B A parallel. तो ये ऐसे ही है जैसे आप लोग पहले A dot B product इस्तेमाल करते थे, तो it will become you A B cos theta. और आप इसको फाइंड आउट करके लिख सकते हैं कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए डॉट बी और यू कैन से बी डॉट ए। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हाउएवर इस सिचुएशन के अंदर तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सरफेस है इट इज वेरी स्मूथ एंड इट इज प्लेन और इट इज यू कैन से द यूनिफॉर्म सरफेस। जब आपके पास यूनिफॉर्म सरफेस है तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सरफेस के लिए आपके पास ये सिचुएशन काफी ईजी है। बट फॉर द केस कि अगर आपके पास जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि इट इज बेसिकली द नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। यहाँ पे सरफेस ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म किस एंगल किस हिसाब से बनाई जाती है इसके ऊपर भी गौर कर लेते हैं कि अगर आपके पास किसी सरफेस के ऊपर लिया जाने वाला नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है अगर वो पूरी सरफेस का एक ही हो और वो चेंज ना हो उसकी डायरेक्शन, तो इस तरह की सरफेस को हम यूनिफॉर्म सरफेस कहते हैं। अगर आपके पास जो सरफेस है उसके ऊपर नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो जाए तो इस तरह की सरफेस को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म सरफेस कह सकते हैं। और इट इज नॉट द फ्लैट सरफेस, इट इज बेसिकली द कर्व। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट हियर। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी हियर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड in this slide is very clear and very easy. Jitni lines pitching in teen directing arrows ke darmiyan hai wo sab mein throughout hai.
So which shows that the whole magnetic field is the same. But as you can see here, this magnetic field lines are basically having that different shape. Or you can say, ye line jo hai, wo curved form mein hai. It is slightly curved and it is totally linear or it is also the same. तो जिसका मतलब ये है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ऑल्सो नॉट द यूनिफॉर्म सो द सर्फेस इज फ्लैट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स सो वी आर इंटरेस्टेड फॉर पर्टिकुलर एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एंड वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन हियर तो हम एक डिफरेंशियल अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिहाज से आपके पास जो है वो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द यूनिट वेक्टर डिफरेंशियल एरिया जो है वो एक यूनिफॉर्म है तो उसके ऊपर आप इस पैच के लिहाज से अप्लाई कर सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फ्लक्स और जो कि यूनिफॉर्म डिवाइड द सरफेस इनटू द इनफिनिटेसिमल सरफेसेस और सरफेस एलिमेंट एंड एड द फ्लक्स टू ईच सो यू कैन सी हियर द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू द लिमिट डेल्टा ए of every patch is equal to zero which shows differential surface element area element और ये b dot da और इन सब को अगर आप continuously sum करना चाहते हैं तो it will become the integral approach b dot da जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है for the case of electric field है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा b dot da is the you can say the mathematical equation which tells us about that कि जब आपके पास कोई सरफेस फ्लैट नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो तब आप इसको इंटीग्रल फॉर्म के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं सो यू आर स्टार्टिंग इक्वेशन बी डॉट डी ए शीट है इट इज पॉसिबल टू यूज द यस यू कैन पॉसिबली यूज दिस वन इफ यू हैव अ कंटीन्यूअस फ्लैट एंड एज वेल एज यूनिफॉर्म फील्ड है सिमिलरली अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है एज यू कैन सी है दिस इज द क्लोज सरफेस और तब आपके पास जो है आप उसके वॉल्यूम के हिसाब से देखना चाहें कि आपके पास जो है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई द सेम वन बट देर इज अ लिटिल वेरिएशन है वी कांट नंबर ऑफ लाइन गो आउट एज अ पॉजिटिव एंड द लाइन गोइंग आउट गोइंग इन एज अ नेगेटिव तो यहाँ पे जनरली तौर पर दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पे ये है कि जो लाइने नंबर ऑफ फील्ड जो है वो पॉजिटिव हैं वो लिए जा रहे हैं जो कि आउटवर्ड है और जिसे हम कहते थे आउटवर्ड फ्लक्स एंड इनवर्ड फ्लक्स तो यहाँ पे दो सिचुएशन डिफरेंट होती हैं यहाँ पे ये है कि इफ यू हैव अ आउटवर्ड फ्लक्स तो मोस्टली द टाइम आउटवर्ड फ्लक्स आर टेकन एज अ नेगेटिव एंड द इनवर्ड फ्लक्स आर टेकन एज अ पॉजिटिव है सो इसको अगर आप रिवर्स प्रोसेस में भी ले सकते हैं कि आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव लिया जा रहा है और इनवर्ड फ्लक्स जो है वो नेगेटिव लिया जाता है तो इस सेंस के अंदर आप जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको हम रिप्लेस करेंगे सिंगल इंटीग्रल के बजाय सरफेस इंटीग्रल के साथ सो दिस इज बेसिकली सरफेस इंटीग्रल फॉर द केस व्हेन यू हैव अ क्लोज सरफेस और ये किसी वॉल्यूम के अंदर इनक्लोज जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास जो है फ्लक्स जनरेट हो रहा तो ये दिस इज दिस रेक्टेंगल इज जैसे रिप्रेजेंटिंग दी डबल इंटीग्रल है और ये डबल इंटीग्रल की फॉर्मुलेशन पे शो करता है बट देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल इन नेचर सो जस्ट दो 2019 एक्सपेरिमेंट लैक ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट सजेस्ट नथिंग टू डू इट्स वेयर देयर फॉर मोर फ्लक्स आर गोइंग टू द आउट ऑफ देम इनटू द वॉल्यूम देयरफॉर देयर वुड बी द मैग्नेटिक पोल इनसाइड तो उस वाले से जो है आपके पास ये जनरली तौर पे ये एक्सप्रेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं समझा जाता बिकॉज ऑफ दैट कि कोई सोर्स जो है मैग्नेटिक मोनोपोल ऐसा सच एग्जिस्ट नहीं करते तो इस वजह से ये इस तरह से आपके पास सरफेस इंटीग्रल यूज किया जाएगा हाउएवर अगर आपके पास ये सिचुएशन होगी तो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते तो टोटल सम ऑफ द होल सिस्टम विल बी इक्वल टू द जीरो और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए जो कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपकी जब कोई क्लोज सरफेस होगी इसको अंदर आप लेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो होल इंटायर सरफेस क्लोज का ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या होगा जीरो बिकॉज नो बडी नो फील्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी
इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जो है टोटल लूप की शक्ल इख्तियार कर लेता है. नॉर्थ से लाइन जितनी निकलती हैं उतनी साउथ बेंड होती हैं, एंड देर इज नो एक्स्ट्रा विच इज गोइंग आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द बॉडी. सो दैट इज वाई वी से दैट इफ इट इज पॉसिबल कि अगर ऐसा हो तो इट इज ओनली पॉसिबल वेन वी हैव द मोनोपोल्स. मोनोपोल्स क्या आते हैं एक्चुअली, इन इन सम हाउ हम किसी तरीके से अगर नॉर्थ को पोल को साउथ से अलग करते हैं एंड नॉर्थ बिकम द इंडिविजुअल एंटिटी एंड द साउथ बिकम्स इंडिविजुअल एंटिटी, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड द मोनोपोल्स. हाउएवर इसके बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो पॉल डिराक ने दिया था. उसने कहा था कि हम क्वांटम सिमेट्रिकल सिमेट्रिक कैलकुलेशन से जो पोल्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं, बट नाउ राइट नाउ वी हैव नो सच फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन कि आपने किसी तरीके से हमने मोनोपोल जो है वो बनाए हो. हाउएवर सिंथेटिकली जो है हम ऐसा कर सकते हैं, बट नेचुरली तौर पे अभी तक ऐसा नहीं किया गया है. तो पैटर्न्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर साइंसदान काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी तरीके से मोनोपोल बनाए जा सकें. अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं तो दिस इक्वेशन विल बी नॉट इक्वल टू जीरो होगी. अगर आपके पास ये मोनोपोल है तो ऑब्वियसली इन सब का जो सम होगा इट विल बी इक्वल टू द जीरो. सो द गॉसियन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म नॉट वेरी यूजफुल इन दिस केस बिकॉज ऑफ दैट कि ये आपके पास जो है वो जनरली हमें ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं. सो हैवर अगर हम गॉसियन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो वी हैव अ कंपेरिजन बिटवीन ईच अदर, और वो कंपैरिजन बड़ा ही सिंपल है. एज यू कैन सी हियर कि आपके पास देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए निकाला था गॉसियन लॉ के लिए. और उसके अगर हम देखें तो वो कहता है कि टोटल इन चार्ज चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो ओवर टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम, तो इतना इसका फ्लक्स की वैल्यू ये होगी. हाउएवर अगर आप यहाँ पे देखें द सिचुएशन वेरी डिफरेंट. अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज सर्फिस के अंदर है तो उसका तो नेट रिजल्ट होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा. बिकॉज ऑफ दैट कि जो चार्ज है एक्चुअली यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जेस एग्जिस्ट मोनोपोल की फॉर्म में नहीं करते, इस वजह से यहाँ पे चार्ज जो होगा वो जीरो हो जाएगा. सिमिलरली दिस इज द इंटेग्रल फॉर्म है, दिस इज द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ द गॉसियन लॉ एंड दिस इज द यू कैन से द differential form of the Gaussian law, and according to that del dot E is equal to epsilon rho over epsilon naught, jabki yahan pe del dot B is equal to zero, which shows that the monopole does not exist here. So this is the mathematical form of the Gaussian law jo ki aapko integral aur inki differential form ke bare mein dete hain. आइदर आपका जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो आप ये वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. और इन इक्वेशन के लिए आप देख सकते हैं कि ये मोर सिंपलीफाइड फॉर्म की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि टोटल फ्लक्स अराउंड द होल सर्फिस क्लोज सर्फिस के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या होगा, हमेशा जीरो वैल्यू होगी. विच शोज दैट कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना जनरेट होगा उतना ही वो दोबारा उस सरफेस के अंदर वापस आ जाएगा, और टोटल वैल्यू जो है ओवरऑल नेट वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड एटम, कि आपके पास जो है ये मैग्नेटिज्म बुनियादी तौर पर जनरेट कहाँ से हो रहा है. अगर मटेरियल से होता है तो मटेरियल किससे मिलकर बने हैं, एटम से, और एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है. तो व्हाट हैपन इफ वी हैव अ एटम एंड द इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस हैज द प्रोटॉन्स एंड व्हिच इज आल्सो इन अ पर्टिकुलर मोशन ऑन द वाइब्रेशन और अदर टाइप ऑफ द थिंग, तो उसकी वजह से कौन सी जो फ्लो ऑफ चार्जेस जनरेट हो रहे हैं और जिसकी वजह से एटॉमिक करंट्स और न्यूक्लियर करंट्स की वजह से आपके पास मैग्नेटिज्म जनरेट होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा फोकस होगा कि हम एटम की वजह से और न्यूक्लियस की वजह से पैदा किए गए मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह. एट दैट आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द एज अ होल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड हाउ वी कैन डिवाइड देम इन डिफरेंट क्लासेस. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. फिर भी किसी किस्म के कोई क्वेश्चन
कोई डिस्कशन और कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन जूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफिज़।